हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू मिंटलिज्म मैजिक किचन। दिस इज अमृता साढ़ावार। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं मेरा न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। तो दोस्तों आज आपके साथ मैं ज्वार की रोटी, जिसे भाकरी भी कहते हैं, वो शेयर करने वाली हूँ। ज्वार की रोटी बहुत ही हेल्दी होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, वेट लॉस करने में भी मदद करती है। तो इस भाकरी को बनाने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम वो टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करते हो तो हमारी भाकरी ईजिली बन जाती है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप ज्वार का आटा लिया है, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो पहले आटा लगा लेते हैं, इसमें थोड़ा नमक, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा पानी एक साथ मत डालिए। ज्वार की रोटी का आटा लगाते समय आपको कुछ चीजें याद रखनी है। इसे आप पहले से भिगो के नहीं रख सकते हो, इसे टाइम पे ही बनाना है और इसे ऐसे मसल मसल के ऐसे हाथों से इसे चिकना करना है। उसके बाद दूसरी चीज, इसे आप बहुत सारे प्रकार से बना सकते हो। एक कोई लोग पानी का हाथ लगा के इसे बनाते हैं, कोई लोग चकला बेलन यूज करके बनाते हैं, कोई आटे का इस्तेमाल करके इसे बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है। अगर आप न्यू लर्नर हो तो आप हमेशा गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी भाकरी टूटे नहीं। तो ये कुछ चीजें थी आपको जिसे याद रखना है जब भी आप भाकरी बना रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक गोला ले लिया है, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लेंगे, थोड़ा ऐसे 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 सर्कल कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा आटा छिड़केंगे, राउंड राउंड कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से भी आटा लगा लेंगे, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर देंगे। थोड़ा पेशेंस वाला काम है पर बहुत अच्छा आएगा फाइनल प्रोडक्ट। अभी जितना हो सके हाथ से दबा लेना है, फिर हम इसे बेलन से रोल आउट करेंगे। देखिए रोल आउट कर लिया मैंने इसे एक बार हल्के हाथ से। अगर कोई शेप अच्छा नहीं जमा हो तो उसे आप हाथ से भी कर सकते हो। ये देखिए ज्यादा मोटी भी नहीं, ज्यादा पतली भी नहीं, इसे हल्के हाथों से इसे उठाना है, इसे लेना है और तवे पे डाल देना है। अब क्या करना है, इसे पानी का हाथ लगाना है। थोड़ा सा पानी लीजिए, हर जगह से लगाना है आपको। थोड़ा हाथों को गर्म लगेगा पर इट्स ओके, अच्छी भाकरी खानी है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब तक हमारा पानी ड्राई नहीं होता तो ऐसे इसे पकने देंगे, फिर इसे फ्लिप करेंगे। देखिए ऊपर का पानी ड्राई हो चुका है, तो हम इसे फ्लिप कर लेंगे। आज बहुत ही सावधानी से करना है। अब इसे दोनों साइड से अच्छी तरह पकने देंगे। देखिए दूसरे साइड से हो चुकी है, अब हम इसे चिमटे से पकड़ के इस पर से रख देंगे। थोड़ा गैस बढ़ाना है। देखिए कितनी सुंदर फूल की तैयार हो गई ये रोटी। ये रही हमारे महाराष्ट्रियन स्पेशल ज्वार की रोटी, जिसे भाकरी भी कहते हैं, बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, फुली फुली बनी है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं और परफेक्ट भाकरी है। इसे हम सर्व करेंगे विद हरी मिर्च के ठेसे के साथ, जिसे ग्रीन चटनी भी कहते हैं, लाल मिर्च की चटनी जिसे लाल मिर्च का ठेसा भी बोलते हैं, और तड़के वाला तेल। और भी ज्यादा फ्लेवर्स एनहांस करने के लिए हमने प्याज भी रखा है। जनरली दोस्तों इसे बेसन के साथ या झुनके के साथ एंड बैंगन के भरता के साथ खाते हैं। अगर इसे आप बैंगन के भरते के साथ खाओगे तो उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। अगर दोस्तों आपको ऐसी फुली हुई भाकरी बनानी हो तो कुछ टिप्स फॉलो करने हैं, जिसमें आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, और दूसरी बात इसे आराम से करना है, ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा। और एक खास टिप आपको याद रखनी है, हमेशा गर्म पानी इस्तेमाल करना है ताकि आपकी भाकरी कभी टूटे ही ना। आप इसे ठंडे पानी से भी बना सकते हैं पर उसके लिए आप बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए भाकरी बनाने में। सो दिस वाज द मास्टर टिप फॉर दिस रेसिपी। अगर दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।